दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी में वो तमाम सियासतदानों से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान हैं उनसे मिल रहे हैं। उनकी जो योजना है वह तमिलनाडु के अगले चुनाव में कैसे अलायंस कारगर ढंग से बन सके और कैसे उस अलायंस में बीजेपी की सीटें थोड़ी ज्यादा हो जाएं, इसकी एक तरह से कार्य योजना बनाना है मकसद। और इस मकसद के लिए तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, वो रजनीकांत से भी मिलने वाले हैं। और रजनीकांत को पहले ये था कि वो पार्टी बनाएंगे, लेकिन बीच में जो समस्याएं पैदा हुई खासकर COVID-19 के बाद, उसमें ऐसा लगा कि उन्होंने अपना विचार स्थगित कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि अमित शाह जी इस बार तमिल फिल्मों के महानायक और भारतीय सिनेमा जगत को बल्कि कहिए उसके एक बहुत महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं रजनीकांत, हो सकता है कि उनको इस बार फिर से परसू करें, उनको फिर से प्रेरित करें कि वो कोई ना कोई पार्टी बनाए। पार्टी बना भी लेते हैं रजनीकांत, हालांकि उसकी अभी संभावना कुछ कम है, क्योंकि उनको जो फीडबैक उनके चाहने वालों से मिल रहा है वो ये कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी से या हिंदुत्व की किसी पार्टी से एलाइट करते हैं, या उसके साथ, यह भी नजर आता है कि उसके साथ वो प्रकारांतर से या पर्दे के पीछे से अगर उसको वो मदद करते हैं, तो रजनीकांत को चाहने वाले जाहिर है बहुत दुखी होंगे, क्योंकि द्रविड़ कल्चर में, द्रविड़ प्रदेश में हिंदुत्व पार्टी को अभी भी पसंद करने वालों की संख्या बहुत कम है। इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना द्रमुक के मौजूदा शासन को एक तरह से रिमोट कंट्रोल कर रखा है, जो वो चाहती है तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक की सरकार वही करती है। और जयललिता के निधन के बाद तो यह हालत और ज्यादा साफ दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में रजनीकांत क्या इस तरह की कोई योजना को अमली जामा पहनाएंगे, इसको लेकर गंभीर सवाल है। लेकिन बीजेपी अन्ना द्रमुक से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी, खासकर पहले के तुलना में उसको वो चाहती है कि ज्यादा सीटें मिले। तो ये मकसद तमिलनाडु में अमित शाह की यात्रा का है। लेकिन वहां पर जो चीफ मिनिस्टर ईके पलानी सामी और जो पनीर सेल्वम है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके सेकंड मैन है, इन दोनों के बीच के जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो बीच बीच में उजागर होते रहते हैं। और हालत यह है कि अन्ना द्रमुक के बाहर भी उनको लोग चाहिए बीजेपी को। पीएम के तो पहले से है अंबुमणि रामदास एक जमाने में वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, आपको अच्छी तरह याद है दोस्तों। लेकिन पीएम के एक तमिलनाडु के छोटे पॉकेट में एक स्ट्रांग पार्टी है, एक ऐसी पार्टी की जरूरत बीजेपी को है जो अन्ना द्रमुक के अलावा भी उसका साथ दे सके। क्या इसके लिए कोई तैयार होगा बीजेपी का साथ देने के लिए, असल सवाल यह है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो एजेंसियां हैं, अगर दोनों को देखा जाए मिला जुला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी नए प्रदेश में जब काम करना शुरू करती है राजनीतिक, तो वो एजेंसियों का भी सहयोग लेती है जो उसके अधीन है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो वहां के रिटायर्ड हैं या मौजूदा भी हैं, उन पर हाल के दिनों में बहुत सारी कार्रवाई हुई है, और कई जगह तो केंद्रीय एजेंसियों की पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के यहाँ भी हुई है। कईयों को हो सकता है कि बताया भी जा रहा हो कि कभी भी कुछ आपके खिलाफ हो सकता है। तो इसमें डीएमके के अंदर कुछ लोगों को तोड़ करके और एक फ्लोट करना एक मोर्चा या एक पार्टी, यह भी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कही जा रही है। तमिलनाडु राजनीति के समझने वाले जो लोग हैं उनका मानना है कि जो कोशिश एक चल रही थी कि कैसे डीएमके के जो बड़े नेता हैं एमके स्टालिन, उनके भाई अलागिरी को कैसे तोड़ा जाए, ये भी कोशिश बीजेपी कर सकती है। बीजेपी के नेताओं ने तमिलनाडु के तो खुलेआम कहा कि अगर अलागिरी उनके साथ आना चाहते हैं तो उनका हम दिल खोलकर स्वागत करेंगे, और क्यों ना करें। करुणानिधि साहब का अगर बेटा भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ जाए तो इससे बड़ी
खुशखबरी बीजेपी के लिए क्या हो सकती है कि द्रविड़ आंदोलन के एक बड़े पुरोधा का बेटा ही अगर उसी के वंश का एक व्यक्ति चला जाए तो इससे बड़ी हिंदुत्व की जीत क्या हो सकती है। लेकिन अभी अलागिरी शायद न तो पार्टी फ्लोट करने के फिराक में है और न तो ज्वाइन करने की किसी और पार्टी को, लेकिन अभी पता चला है, आज ही की खबर है कि उनके एक निकटस्थ सहयोगी जो बहुत नजदीकी रहे हैं उनके और राज्यसभा में मेंबर रहे हैं डीएमके के, रामालिंगम साहब ने आज अमित शाह साहब की यात्रा के दौरान वहां बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ये एक बड़ी खबर है तमिलनाडु में। लेकिन रामालिंगम को जानने वालों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही उनको अपने साथ ले गई हो, लेकिन तमिलनाडु की सियासत में मिस्टर रामालिंगम की कोई हैसियत नहीं है। अलागिरी की थोड़ी बहुत है भी अगर मदुरई के इलाके को देखा जाए, लेकिन शेष तमिलनाडु में उनकी डीएमके के बाहर जाकर अगर वो कोशिश करेंगे तो शायद ही उनकी कोई पूछ होगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। और बिल्कुल अंत में साथियों, जाते जाते, कि भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी के साथ भी किसी नए प्रदेश में दाखिल होती है, नए प्रदेश में कभी अलायंस करती है, निकट भविष्य में उस पार्टी की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। हमने ये देखा है सबसे पहले गोवा में, वहां पर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के कंधे पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश किया था और वो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का नामो निशान किधर है खोज कर देखिए पता भी नहीं चलता। और बीजेपी गोवा में आज राज कर रही है। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत कमजोर पार्टी थी, नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी उन दिनों थी। 95 के चुनाव में समता पार्टी ने एक वामपंथी गठबंधन किया था वामपंथी दल से, लेकिन मुकाबला लालू यादव के सामने कमजोर साबित हुआ, वो हार गए। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने फिर 96 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया और बड़े भाई के तौर पे वो लगातार राज करते रहे बिहार में 2015 के चुनाव को छोड़कर। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 74 सीट पाकर नंबर वन हो गई और पहली दफा इतने ताकतवर नेता नीतीश कुमार छोटे भाई बन गए। मुख्यमंत्री का पद तो मिला लेकिन पार्टी कमजोर हो गई। आपने देखा हरियाणा में एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन देवीलाल की पार्टी के जरिए ही बाद के दिनों में जब अलायंस बना, और आपको याद होगा चौटाला साहब उनके जो बेटे थे वो देवीलाल जी के, उनके समय कैसे बीजेपी ने क्या क्या फायदा उठाया और अंत में आज बीजेपी वहां बड़ा भाई है और चौटाला साहब का ही जो पौत्र है वो डिप्टी बना हुआ है। तो ये आपने देखा। हाँ, दो प्रदेश जरूर अपवाद हैं जहां पर समय रहते जो बीजेपी के अलाई हैं उन्होंने बीजेपी के खेल को समझा और उन्होंने अपने को अलग कर लिया इस अलायंस से। वो अकाली दल पंजाब में, अभी आप देखिए, आज ही मैंने देखा कि विक्रम सिंह मजीठा ने एक बयान दिया है कि उनका जेड प्लस जो सिक्योरिटी है कैसे बीजेपी ने हमारे गठबंधन के अलग होने के बाद कैसे छीन लिया है, वो अब रो रहे हैं। तो अकाली दल ने अपना गठबंधन तोड़ दिया, शिवसेना ने वहां अपना गठबंधन तोड़ दिया महाराष्ट्र में, लेकिन कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी किसी दल के बड़े नेता को या तो तोड़ती है या किसी छोटे या किसी मझोले दल का कंधा तलाशती है। बंगाल में भी उसने तृणमूल कांग्रेस के कई लोगों को तोड़ा, कुछ कांग्रेसियों को भी तोड़ा। तो ये जो पॉलिटिक्स बीजेपी की है उन प्रदेशों के लिए है जहां वो कमजोर है लेकिन जहां वो अपना पैर जमाना चाहती है। तमिलनाडु में क्या होगा अगले कुछ महीनों में बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा, लेकिन आज अमित शाह साहब की जो मीटिंग्स हैं उनसे क्या निकलता है ये मुझे लगता है देखना दिलचस्प होगा, जो अगले 2-3 दिनों में दिखाई पड़ेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। Thank you.